आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प और मजे की कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है शरारती बंदर और टोपियाँ बेचने वाला। एक दफा का जिक्र है कि एक शहर में एक टोपी फरोश रहता था। एक दिन वो टोपियाँ बेच रहा था। टोपियाँ ले लो, टोपियाँ ले लो, टोपियाँ ले लो, 5 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी। चंद टोपियाँ बेचने के बाद वो बहुत थक गया। उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए एक बड़े दरख्त के नीचे बैठने का फैसला किया। जल्द ही वो सो गया। बड़े दरख्त के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों ने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे सो रहा है। बंदर दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे। वो नीचे आए, टोपी फरोश की टोकरी में से टोपियां ली और इन्हें पहन लिया। इसके बाद वो दोबारा से दरख्त पर चढ़ गए। जब टोपी फरोश जागा तो वो अपनी टोकरी को खाली देखकर बहुत परेशान हुआ। वो अपनी टोपियां इधर उधर तलाश करने लगा। अचानक जब उसकी नजर दरख्त के ऊपर पड़ी तो कुछ बंदरों को टोपियां पहने देखकर वो हैरान रह गया। टोपी फरोश ने बंदरों पर पत्थर फेंके और बंदरों ने खुद को टोपी फरोश से बचाने के लिए उस पर आम फेंकना शुरू कर दिए। टोपी फरोश जो हरकत करता बंदर उसकी नकल करते। इसको एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उठाई और जमीन पर जोर से फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी जमीन पर फेंकना शुरू कर दी। टोपी फरोश ने तमाम टोपियां जमा की, उन्हें टोकरी में डाला और खुशी खुशी अपनी राह ली। जी तो प्यारे साथियों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी का नतीजा ये है कि अगर आप पर कोई मुश्किल आ जाए तो परेशान होने की बजाय अकलमंदी से इस मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अकलमंदी जंग के हथियारों से ज्यादा बेहतर होती है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।